अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक हो गया। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है कि जैसे कि देखें, एक प्रिंसिपल होता है, पी फॉर प्रिंसिपल है, एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये पी आपका प्रिंसिपल है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है। अब देखें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझें कैसे होता है। कि सबसे पहले देखें, जो प्रिंसिपल होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उसके अंडर कौन होता है, टीचर होता है। ठीक है, तो टीचर किसकी जी हुजूरी करता है, किसकी उसकी क्या ख्वाहिश होती है कि वो क्या बने, वो प्रिंसिपल बने। ठीक है, प्रिंसिपल तो पहले ही प्रिंसिपल है। ठीक है, तो क्या करेगा टीचर जो वो है, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट है, स्टूडेंट किसकी जो है वो जी हुजूरी करता है, ठीक है, वो करता है टीचर की बात मानता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट साथ साथ किसकी बात मानता है, प्रिंसिपल की भी मानता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का ही कंसेप्ट होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। या आप देख लें कि बात सुने, आपके दादा अब्बू हैं, ठीक है, आपके पापा हैं और आप हैं, ठीक है, चाइल्ड है। अब देखें जो बच्चा आता है, ठीक है, वो किसकी बात मानता है, वो अपने पेरेंट की भी मानता है, अपने अब्बू की भी मानता है और अपने दादा अब्बू की भी मानता है बात। ठीक है, लेकिन आपके जो पेरेंट होते हैं, आपके जो अब्बू हैं, वो अपने अब्बू की बात मानेंगे यानी कि दादा अब्बू की। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होता है ये। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो हम कर लिखेंगे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम नेम स्पेस, और यहाँ पर हम लिखेंगे एसटीडी इंट मेन लिखेंगे, ओके। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न ज़ीरो, और यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नेम होगा पी आर आई एन सी आई पी एल ई प्रिंसिपल, ओके, सेमी कॉलन। इसके बाद एक क्लास बनाएंगे, उसका नेम होगा टीचर टीचर्स, ओके। उसके बाद एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट्स की, ठीक है। इसके अंदर अब प्रिंसिपल वाली क्लास के अंदर क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल वाली क्लास, इसके अंदर एक मैं लूँगा प्राइवेट एट्रीब्यूट और मैं लूँगा इंट सैलरी, ठीक है, और सैलरी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 लाख, ये पता नहीं कितनी लिखी गई है, 2 लाख। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड क्या होगा, यहाँ पर इंट एज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक ले लेते हैं पब्लिक, पब्लिक लेते हैं, और पब्लिक के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक इंट रैंक, ओके। तो प्रिंसिपल का रैंक भी दे देते हैं, रैंक इसको दे देते हैं 20, ओके, और इसको एज हम दे देते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल की एज ज़्यादा होती है तो 70 साल कर देता हूँ, नहीं 59, ठीक है। तो ये इसके कुछ एट्रीब्यूट हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखें सिंपली मैं यहाँ पे लंबा चौड़ा काम नहीं करूँगा, डिस्प्ले, और यहाँ पर से ये डिस्प्ले प्रिंसिपल नाम ही एक मैंने फंक्शन बना दिया, सी आउट करूँगा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर और यहाँ, ओके। तो अब देखें यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सैलरी, कंट्रोल सी कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर भी कंट्रोल वी पेस्ट करूँगा, ओके।
अब इसके बाद सैलरी, सैलरी के बाद यहां पर मैं लिखूंगा एज, और यहां पर मैं कर दूंगा एज। उसके बाद मैं यहां पर रैंक कर दूंगा, और यहां पर भी रैंक। ओके हो गया। अब यहां पर मैं कर दूंगा प्रिंसिपल सैलरी। ओके, और इसको मैं यहां से स्पेसेस थोड़ी सी दे देता हूं, ठीक है। ओके, ओके हो गया। तो ये हमने एक क्लास बना ली। अब मैं इसी क्लास को करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं यहाँ पे बना दूंगा TEACHER, टीचर्स, ठीक है। टीचर्स के एट्रीब्यूट क्या होंगे कि इसकी सैलरी मैं 1,00,000 कर देता हूँ, ठीक है। इसकी एज मैं कर देता हूँ यहाँ पर 45, ठीक है। और इसका रैंक मैं कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी सारा वही void डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टीचर। नहीं जी, अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी किया हुआ है, तो इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे दोबारा, और यहाँ पर स्टूडेंट वाली जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। इधर हम कर देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम अब एक अपना लिखेंगे, स्टूडेंट की सैलरी तो कोई होती नहीं है, तो मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा, ठीक है। और उसकी एज भी कम होती है, तो मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ। ओके, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट का रैंक भी 0 होता है, ठीक है। चलो, एक रैंक होता है उसका, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने सेम चीज़ें डिस्प्ले करवा दी, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने काम कर लिया, हमने 3 क्लासेस बना ली, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होती है कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है, ठीक है। मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सॉरी। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या आता है कि, ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर ये होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड होती है, ठीक है। फिर ये टीचर क्लास की जो है, ये टीचर क्लास जो है ये चाइल्ड है प्रिंसिपल क्लास की, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकेगी। और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट होगी क्लास, स्टूडेंट क्लास जो है वो होगी चाइल्ड ऑफ टीचर क्लास, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास है, ये टीचर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकती है, उसके डेटा मेंबर को, उसके मेंबर फंक्शन को, ठीक है। तो आएं, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने ये कर लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एंटर मारेंगे, और यहाँ पर हम डिस्प्ले प्रिंसिपल वाले को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, तो अब ये क्या होगा कि ये प्रिंसिपल सैलरी की जगह पे यहाँ पर प्रिंसिपल है। ओके, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा टीचर सैलरी। ओके, इसी तरह से यहाँ पर मैं कर दूंगा स्टूडेंट सैलरी। ओके, अच्छा, अब क्या है कि अब वो हमने कर लिया काम। अब ये जो स्टूडेंट है, ये किसको एक्सेस कर सकता है, डेटा मेंबर फंक्शन को, टीचर के, ठीक है। तो हम ये टीचर का जो फंक्शन है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी इनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लास का नेम लिया, कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ पे
पेस्ट किया और इसको यहाँ पे पी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टीचर है तो इसका नाम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करूँगा मैं यहाँ पे टी। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टीचर के बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स एस कर दूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं करूँगा पी डॉट, देखें डिस्प्ले प्रिंसिपल आ रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रिंसिपल, ठीक है, तो मैंने इस क्लास का प्रिंसिपल का ऑब्जेक्ट बनाया प्रिंसिपल नामी क्लास का, और ये अपनी क्लास के ही फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा सी आउट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं बैक स्लैश एन एंडल। अब इसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा टी डॉट, देखें अब टी किस किस को एक्सेस कर सकता है, टीचर वाला फंक्शन जो टीचर हमारा ऑब्जेक्ट है टी, वो देखें डिस्प्ले प्रिंसिपल को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ इनहेरिट है। डिस्प्ले टीचर अपने वो फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, और क्या कर सकता है कि इन दो वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एक वेरिएबल पेरेंट क्लास यानी कि प्रिंसिपल क्लास से आ रहा है, और एक वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, रैंक कहाँ से आ रहा है, वो इसकी अपनी क्लास से। ठीक है, तो मैं चीज़ों को सिंपल रखते हुए मैं सिर्फ यहाँ पर डिस्प्ले टीचर वाले फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर एस डॉट, देखें एस डॉट यहाँ पे स्टूडेंट्स आना चाहिए, तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहा, अच्छा हमने वो नेम इसका चेंज नहीं किया, तो मैं इसको करूँगा यहाँ पर कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, डिस्प्ले टीचर्स आ रहे हैं, और ये स्टूडेंट क्लास जो है ये इस वाले डिस्प्ले प्रिंसिपल को भी कॉल करेगी। ठीक है, लेंगे इसको भी ये कॉल कर सकती है। ओके, तो अब मैं इसको करता हूँ एस डॉट तो जैसे ही हमने यहाँ पर एस डॉट किया तो ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे एस डॉट किया तो ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है डिस्प्ले स्टूडेंट, हम इसको एंटर करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। अब क्या होगा, अब देखें कि हमारा प्रिंसिपल जो क्लास है वो अपने फंक्शन को कॉल करेगी। ठीक है, ये जो हमारा टीचर वाली क्लास है ये अपने फंक्शन को डिस्प्ले टीचर को कॉल कर रही है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें डिस्प्ले प्रिंसिपल की भी प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी। ठीक है, उसके डेटा मेंबर फंक्शन शो हो जाएगा साथ में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो स्टूडेंट वाली क्लास है ये कॉल कर रही है एस डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट्स को, और इसके अंदर ये स्टूडेंट्स का भी डेटा शो करवाएगी, ये डिस्प्ले टीचर्स का भी करवाएगी, और प्रिंसिपल का भी करवाएगी। ठीक है, तो आए इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो यूजिंग एन एम ई नेम स्पेस, ओके अब देखते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था कि प्रिंसिपल जो है वो अपने आप को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो वो अपने डेटा को शो करवा रहा है, प्रिंसिपल सैलरी 2 लाख, एज 59, रैंक 20। ठीक है, उसके बाद टीचर क्या था, मैंने कहा कि जो टीचर क्लास है वो किसको किसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकती है, वो प्रिंसिपल की। तो ये देखें उसने प्रिंसिपल की सैलरी 2 लाख, एज उसने 59 और रैंक 20 शो करवा दिया। ठीक है, उसके साथ साथ उसने अपनी भी प्रॉपर्टीज़ को शो करवाया, वो तो उसने करवानी है क्योंकि वो अपनी क्लास को ही कॉल कर रही है। ठीक है, उसके बाद देखें मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये स्टूडेंट को जब कॉल किया तो उसकी सैलरी 0 है, एज इसकी 25 रखी थी, रैंक उसका 1 था, लेकिन
वो किसको इनहेरिट कर रहा है, टीचर सैलरी को भी कर रहा है ठीक है, और प्रिंसिपल की सैलरी वगैरह भी वो शो करवा रहा है हमें ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आपको आई होप सो कि समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कई ये बताना ज़रूरी है कि देखें जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखें तो स्टूडेंट वाला जो है हमारा अपना अपने डेटा मेंबर को शो करवा रहा है, वो टीचर को एक्सेस कर रहा है, साथ में ये प्रिंसिपल को दो बार शो करवा रहा है। वो इसलिए दो बार शो करवा रहा है कि ये जो दो लाइंस हैं ये आ रही हैं टीचर से ठीक है, टीचर वाले डेटा मेंबर से, क्योंकि टीचर भी तो प्रिंसिपल को एक्सेस कर रहा है ना ठीक है, और टीचर वाले से आ रही है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये आ रही है ये वाली डिस्प्ले प्रिंसिपल से ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।